नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम दत्त, आप देख रहे हैं सिंपल टेक्निकल चैनल। आपके बारे सिंपल टेक्निकल चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूबर है, आपने भी यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन फुलफिल नहीं किया है, आपने भी अच्छी तरीके से यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं बनाया, तो यूट्यूब की तरफ से बताया गया है कि यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ मई के अंदर ही भरना पड़ेगा फ्रेंड्स, वरना आपका भी चैनल हो सकता है डीमोनिटाइजेशन फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको यूएस के टैक्स इन्फॉर्मेशन को भरना ही पड़ेगा मई तक, वरना आपका चैनल में कुछ भी नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। तो चलिए, मैं अगर आपने अगर यूएस के टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं भरा है तो फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा दीजिएगा शुरू से अंत तक, तभी आपको समझ में आएगा। मैं आपको यहाँ से वीडियो में बताने वाला हूँ स्टेप बाई स्टेप कि किस तरह से आप यूएस के टैक्स इन्फॉर्मेशन फूल है सही, उसको डिटेल में अच्छे तरीके से भरिएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नए वीडियो को रिमूव कीजिएगा। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप गूगल एडवर्ड्स में अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। तो आप जैसे भी गूगल एडवर्ड्स अपने अकाउंट खोल लीजिएगा, तो गूगल अकाउंट अपन खोलने के बाद आप यहाँ पर जैसे टूल्स एंड सेटिंग में ऊपर में जाइएगा। टूल्स एंड सेटिंग में जाने के बाद या फिर यहाँ पर आपका जो साइड कॉर्नर में यहाँ पर जो सेटिंग है, यहाँ पर सेटिंग में आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सेटिंग में क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देखिए पेमेंट्स प्रोफाइल में यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है जहाँ पर लिखा हुआ यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो आप मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, जिसमें आपका कुछ डिटेल डालने के लिए आएगा, आपका फॉर्म आएगा, टैक्स इन्फॉर्मेशन का फॉर्म आपका आएगा फ्रेंड्स। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन का उसके बाद आपको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फॉर्मेशन इसमें आपको डालने के लिए। यहाँ पर लास्ट में आप जैसे कॉर्नर पर देख रहे हैं यहाँ पर ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन, इस पर आप क्लिक कर दीजिए ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन में फ्रेंड्स। अभी ये टैक्स इन्फॉर्मेशन डालना यहाँ बहुत कंपलसरी हो गया, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सिक्योरिटी के लिए थोड़ा पॉज करता हूँ वीडियो को। देखिए, जैसे कि मैंने वहाँ पर ईमेल कुछ नहीं, आपको वहाँ पर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको कुछ इस तरह से खुल जाएगा। विच टाइप ऑफ अकाउंट इज़ ऊपर मतलब, तो मेरा इंडिविजुअल है तो मैंने इंडिविजुअल कर लिया। ये इंडिविजुअल पे करके इसके बाद नेक्स्ट पे कर दीजिएगा। आर यू सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ द US? नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रेजिडेंट नहीं सिटीजन US का, तो इसको नो कर दीजिएगा फ्रेंड्स। नो करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट पे करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा। देखिए, हम लोग का ये W8BEN और W8ECL, यहाँ पर ही अगर देखिए यहाँ पर दो अलग अलग टाइप्स का है। दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज बाई नॉन US इंडिविजुअल्स एंड वुड ऑल्सो यूज टू क्लेम टैक्स। और सेकंड में जो आपका है वो दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज बाई ए नॉन US बिजनेस। ये सेकंड में आपका अगर कुछ अगर अनदर बिजनेस वगैरह की इससे रिलेटेड है तो वो पर ये कर सकते हैं। यूट्यूब ये सब के लिए आप फर्स्ट वाला क्लिक कर दीजिए फ्रेंड्स। ये फर्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट WBN फॉर्म को इसको क्लिक कर दीजिएगा। आप फर्स्ट वाला इसी टाइप के फॉर्म भरिएगा, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। ये दो ऑप्शन दिया जाता है कि आप किस टाइप के फॉर्म भरना चाहते हैं। तो आप WBN इस टाइप के फॉर्म भरना चाहते हैं, इसलिए उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट इस टाइप का आएगा, जिस टाइप से मैंने देखिए मेरा जिस टैक्स इन्फॉर्मेशन जिस टाइप से ID बन रहा है उस टाइप का नाम लिखा हुआ है मेरा। और ये DB है, ये आपको डूइंग बिजनेस एज का डालना है, बट डूइंग बिजनेस एज आप नहीं है तो यहाँ पर नहीं डाल सकते। उसके बाद थर्ड में कंट्री आप चूज़ कर लीजिए, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स। तो जिस कंट्री है आपका उस कंट्री से सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्री मेरा इंडिया है, मैं यहाँ पर इंडिया। ये फिर आपका फॉरन टीन, ये टीन में बहुत कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। टीन में ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर टीन में आप सिर्फ टीन में आप अगर देखेंगे नेट में सर्च मारिए टीन में, ये मैं भी कन्फ्यूज हो गया था, बट यहाँ पर सिर्फ आपका पेन नंबर डालना है फ्रेंड्स। ये आप अपना पेन नंबर यहाँ पर ही डाल सकते हैं। सॉरी, वीडियो को फिर से मैं पॉज करना चाहूँगा सिक्योरिटी के लिए फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं पेन कार्ड का नंबर डाल दिया, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से मेरा सेकंड फॉर्म खुला है। सेकंड फॉर्म में मेरा यहाँ पर टैक्स फॉर्म, ये मतलब मेरा सिर्फ एड्रेस डालने का है। यहाँ पर मैं एड्रेस अपना डालूँगा, आप भी वहाँ पर ही एड्रेस अपना डाल दीजिए, जहाँ पर रहते वहाँ का एड्रेस डाल दीजिए फ्रेंड्स। इसमें
एड्रेस अगर अगर सेम है आपका तो यहाँ पर मेलिंग एड्रेस ही सेम, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, आपका वो एड्रेस सेम हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए आप इसको। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का ऑप्शन, दो ऑप्शन आएगा आपको चूज़ करने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट डिटेल का। यहाँ पर भी बहुत कोई कन्फ्यूजन में फंसता है फ्रेंड्स। ये आपका आ गया है ट्रीटी का ऑप्शन, ये आप ट्रीटी, इसमें आपको डालना है कि टैक्स ट्रीटी, कौन सा टैक्स ट्रीटी, आर यू क्लेमिंग रिड्यूस रेट ऑफ द ड्यूटी अंडर द टैक्स ट्रीटी। इसमें आपको यहाँ पर सेकंड वाले में यस में करना है फ्रेंड्स, यस कर देना है आपको, फर्स्ट वाले में नहीं करना है, सेकंड वाला में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कंट्री का नाम देना है, ये है कि आपका कंट्री यूएस से ट्रीटी किया हुआ है कि नहीं, तो जी हाँ यस मेरा ट्रीटी किया हुआ है। स्पेशल रेट्स एंड कंडीशंस, स्पेशल रेट्स एंड कंडीशंस में आप यहाँ पर ही मूवीज एंड शो एंड प्लस अब आता है नेक्स्ट स्पेशल रेट्स एंड कंडीशंस। तो इसके लिए मैंने स्पेशल रेट्स कंडीशन में यहाँ पर पहला वाला सर्विस सर्च है एडसेंस वाला करना है। एडसेंस में करने में आर्टिकल एंड पैराग्राफी आर्टिकल 7 वाला करना है, और विथ होल्डिंग 0% में मेरे को करना है फ्रेंड्स। आप इसको वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा कहीं, वरना आपको समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स, आप इसको टोटल देखते रहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड में करना है, यहाँ पर आर्टिकल एंड फोटोग्राफी, ये आपको 12 आर्टिकल एंड फोटोग्राफी करना है, और यहाँ पर 15% रिड्यूसिंग रेट रेट रखना है आपको। फिर आपको ये क्लिक करना है, उसके बाद अदर में जाना है, अदर में जाने के बाद आपका आर्टिकल एंड फोटोग्राफी ये 12 करना है, यहाँ पर भी आपको 15% रिड्यूस रेट रखना है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में आपका नेक्स्ट क्लिक का बटन है, आपका यहाँ पर सारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। इसको नेक्स्ट में करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका फॉर्म का कुछ हो गया। अब आता है आपका सर्टिफिकेशन, सॉरी ये आपका सर्टिफिकेशन का नहीं, ये आपका ये डॉक्यूमेंट्स रिव्यू का है। ये आपका डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरह से खुल गया कि आपका फॉर्म इस तरह से दिख रहा है यहाँ पर साइड में, कि किस तरह से आपका फॉर्म यहाँ पर फॉर्म खुल गया। यहाँ पर आई कन्फर्म में यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर आप जो नेक्स्ट का बटन देख रहे हैं उस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए ये आपका सर्टिफिकेशन का खुल गया है। सर्टिफिकेशन में आपका यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स में फुल नेम है, आप जो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड में आपका पूरा पूरी नाम दिया गया है यहाँ पर अच्छे तरीके से, वो नाम यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए फ्रेंड्स। नाम को एक स्पेलिंग को एक बार चेक कर लीजिएगा बढ़िया से, जैसे नाम में आपका मिस्टेक ना हो फ्रेंड्स यहाँ पर, तो नाम को बढ़िया तरीके से डाल लीजिएगा। यहाँ पर आप यस आई एम द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर एंड आई एम कंप्लीटिंग दिस फॉर्म ऑफ द एनी ऑन बिहाफ, यहाँ पर फर्स्ट वाला यस पे कर दीजिएगा आप। ये फर्स्ट में यस पे करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पर जो नेक्स्ट का बटन देख रहे हैं, यह नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपका लास्ट सबमिशन आ गया है, लास्ट में आपका एक्टिविटीज एंड सर्विस परफॉर्म टू यूज़ एंड एफिडेवल्ट ये आ गया है आपका। यहाँ पर आपको करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको करना है कि आपको इसमें से कोई एक चूज़ करना है, एज ए इंडिविजुअल और इंटर आइडेंटिटी इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन परफॉर्म एनी एक्टिविटीज द सर्विस ऑफ द गूगल विथ यस। तो यहाँ पर एक्टिविटीज एंड सर्विस परफॉर्म्ड इन यूएस ये आपको यहाँ पर नो करना है फ्रेंड्स। यहाँ पर एज ए इंडिविजुअल इंटायर आइडेंटिटी इन द टैक्स सेक्शंस, यहाँ पर आपको नो पे क्लिक करना है, और ये वाले पे भी क्लिक कर लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पर नीचे जाइएगा तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपका आता है स्टेटस, स्टेटस चेंज एफिडेविट आता है, ये आपका हो गया फ्रेंड्स। ये यहाँ पर बोला गया है कि आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर ए न्यू एंड एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैव नॉट रिसीव पेमेंट। अगर आप यूट्यूब की तरफ, अगर आप एडसेंस की तरफ से कोई पेमेंट नहीं आपको रिसीव मिला, आपको पेमेंट नहीं मिला है, तो आप वहाँ पर फर्स्ट पे क्लिक कर लीजिए, और अगर आपको कोई पेमेंट आ चुका है तो आप सेकंड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो आप इसको सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। सबमिट पे क्लिक हो जाने के बाद आपका मान लीजिए ये फॉर्म सबमिट हो गया है, ये लास्ट सबमिट था आपका फॉर्म का, ये आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसका कुछ सेकंड स्टेप है, वो आपका खुलेगा।
ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा मेल भी अभी आ गया था। आपने देखा कि मेरा मेल भी आ गया है। अब यहाँ पर ही मेरा बताया जा रहा है कि मेरा सारा कुछ अप टू डेट हो गया है। मैं सब कुछ सारा कुछ डाल दिया हूँ। अब यहाँ पर सारा डिटेल मेरा हो गया है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा यहाँ सब कुछ हो गया है। टोटल फॉर्म सबमिट हो गया है, जैसे कि यहाँ पर मेरा फर्स्ट में देख रहे हैं आपको, मैंने सबमिटेड 24 अप्रैल जो आज का डेट है, नाम। और यहाँ पर मेरा जो है 15% ये जो है मोशंस पिक्चर्स एंड टीवी वाइट रेट, ये 15% बता रहा है। कॉपीराइट में यहाँ पर भी मेरा 15% बता रहा है। और मेरा यूएसएस जो सर्विस है ये 0% क्लेम्ड हो गया है। यहाँ पर 15% का क्लेम्ड हो गया है मेरा फ्रेंड्स। अब मेरा ये सारा कुछ अप टू डेट हो गया। अब आपको रिटर्न जाना है गूगल एडसेंस पर फ्रेंड्स। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।